Hello my dear student, how are you all? Let's see the screen. Today I am going to teach you your second chapter economics. Under that our new topic is properties or characteristics of indifference curve. Okay, you know very well indifference. Indifference means what? Equality curve, equal. Okay, so characteristics, features or properties of indifference curve. First point is indifference curve slope downward from left to right. It's a negative slope. Indifference curve का जो slope है वो कहाँ की तरफ को जाता है? Left to right, negative की तरफ को जाता है. Okay? Y axis to X axis की तरफ में flow होता है. An indifference curve slope downward from left to right, which means that in order to have more of goods X, the consumer has to forego some units of goods Y. जब आप X की ओर जाते हो तो उस समय आप Y का कुछ गुड्स कम कर देते हो, सो दैट हिज टोटल यूटिलिटी लेवल रिमेन द सेम. इसलिए आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? इक्वल आ जाती है. एंड ही रिमेन्स ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. और यहाँ पे आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या हो जाता है? सेम आ जाता है, क्योंकि इनडिफरेंस का मतलब ही होता है इक्वलिटी. यहाँ पे आपको कुछ भी हो इक्वलिटी ही दिखानी है. डिफरेंस मतलब आपको पता है अलग अलग, और इनडिफरेंस का मतलब भी आपको मैंने बता दिया इक्वल. ठीक है, इतना ही आपको समझना है. एकदम ज़्यादा डीपली करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसमें ज़्यादा डीप में मत जाना. ओके, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है. जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस को गुड्स लेते जाओगे वैसे वैसे आपका वाई एक्सिस का गुड्स कम होते जाएगा. बट जो बीच का पॉइंट है ए, वहाँ पे आपका पॉइंट क्या दिखता है? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, एक जैसा. सेकेंड, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी. हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब जितना ज़्यादा आपकी इक्विलिटी दिखाई देगी उतनी ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी. यूटिलिटी का मतलब आपको पता ही है, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी. मतलब जो कमोडिटी आपको फुल सेटिस्फाई करती है इट मीन्स यूटिलिटी, उसे हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी कहेंगे. तो जितनी इंडिफरेंस कर्व हायर होगी उतना ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिलती है. एन इंडिफरेंस कर्व टू दी राइट गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितना ज़्यादा हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब यूटिलिटी मिलती है. इट इज़ बिकॉज ए हायर इंडिफरेंस कर्व कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन विद दी मोर ऑफ गुड्स एक्स और मोर ऑफ गुड्स वाई और मोर ऑफ बोथ. हायर सेटिस्फैक्शन का मतलब ही होता है उसमें हमें गुड्स एक्स ने भी पूरा सपोर्ट दिया, गुड्स वाई ने भी पूरा सपोर्ट दिया, इसकी वजह से दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से हमें यूटिलिटी मिल गई. एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज़ पॉजिटिव. जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है? शुरुआत में पॉजिटिव होती है. एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ दैट कमोडिटी एज दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और आपको पता ही है पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ से उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है हमेशा उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को परचेज जरूर करते हैं. ओके, तो इतना आप ध्यान में रखना. ओके, थर्ड पॉइंट, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मतलब जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखो दो इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं, एक पिंक कलर में और एक स्काई ब्लू कलर में. यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व है और यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या कर रहा है? वो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. इंटरसेक्ट मीन्स वॉट? डिवाइडिंग, एक दूसरे को टच करना या कट करना. लेकिन कभी भी हो जो इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही क्या होता है? वो एक दूसरे को टच, इक्वलिटी, इक्वल मतलब एक जैसा, तो वो पैरेलल हो सकते हैं, तो एक दूसरे को कट तो कर ही नहीं सकते. तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो बताया है ये क्या बताया है? रॉन्ग बताया. टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते. टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर विल लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट. अगर दो एक जैसे लोग एक दूसरे को कट करेंगे तो ये एक झगड़े की बात हो सकती है, इसका रिजल्ट कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं इसमें. टू एक्सप्लेन दिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वी एज्यूम दैट टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन इन द फिगर 2.5. आपको यहाँ पर 2.5 फिगर दिया हुआ है. यहाँ पर आपको दो कर्व दिए हुए हैं, इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2. ठीक है, तो दोनों पॉइंट देखेंगे. एस पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व ICA. जैसे देखो ICA मीन्स वॉट? इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट. इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट में पॉइंट ए भी है और पॉइंट बी भी है. ठीक है, उसके बाद हम यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन बी विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व है, मतलब ए लेवल और बी, ए और बी दोनों में भी हमें सेटिस्फैक्शन लेवल क्या था? सेम था. ये पॉइंट यहाँ में ध्यान में रखना है, सेम पॉइंट लेवल था. सिमिलरली
as point A and C lie on the same indifference curve IC2, मतलब यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व सेकंड है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एक ए है और सी है, तो ए और सी से भी हमें क्या मिल रहा था, दोनों के कॉम्बिनेशन से सेम डिफरेंस कर्व है, तो यूटिलिटी भी सेम मिल रही है. यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन सी विल गिव इन दी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इसका नाम ही इंडिफरेंस कर्व है, तो इससे भी हमें सेटिस्फेक्शन एक ही लेवल का मिल रहा है, जितना ए और बी से मिल रहा है उतना ही ए और सी से भी मिल रहा है. फ्रॉम दिस इट फॉलो दैट यूटिलिटी फ्रॉम पॉइंट बी एंड फ्रॉम पॉइंट सी विल ऑल्सो बी दी सेम. इसलिए हमें यह समझ में आ रहा है कि पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी हो, दोनों से जो यूटिलिटी मिल रही है, हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो एक जैसा मिल रहा है. बट दिस इज क्लियरली एन एब्सर्ड रिजल्ट, लेकिन ये हकीकत में होते हुए भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है. एज ऑन पॉइंट बी द कंज्यूमर गेट मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई, जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो कंज्यूमर है यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके, Y के, विद दिस सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स X, और सेम क्वांटिटी कहाँ पर है, यहाँ पे X में भी है, मतलब जितना Y का कमोडिटी ले रहे हैं उतना ही X का भी कमोडिटी ले रहे हैं. सो कंज्यूमर इज बेटर ऑफ ए पॉइंट B देन एट पॉइंट C, इसलिए कंज्यूमर के लिए पॉइंट B जो है वो बेटर है किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट C के अकॉर्डिंग. ओके, मतलब A और जहाँ पे क्या बताया है कि सी विल ऑल्सो, बट दिस क्लियरली एज एब्सर्ड. बी पॉइंट जो है रिजल्ट दिखा रहा है, कंज्यूमर गेट मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मतलब गुड्स जो ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, सो गुड्स वाई में मिल रहा है, ठीक है, वाई से उनको ज़्यादा मिल रहा है, और सेम क्वांटिटी किस में मिल रही है, एक्स में मिल रही है. अब वाई और एक्स दोनों में भी सेम मिल रहा है, तो कंज्यूमर के लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी ज़्यादा पसंद होगा किससे, सी से. आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऊपर के लेवल में है और सी क्या है, नीचे के लेवल में, तो उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है. नीचे फिर दिया हुआ है, दस इट इज़ क्लियर दैट इंटरसेक्टिंग इंडिफरेंस कर्व विल लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट. और ये अभी हम लोग ने इसके पहले क्या बात की थी, ए बी और ए सी इक्वल है, जब ए बी और ए सी इक्वल है और बी में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सी में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, ये बात सही हो रही है क्या, नहीं हो रही, इससे क्या बीच में हमारे हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स वॉट, मतभेद हो जाएंगे, हमारे जो पॉइंट आते हैं वो पॉइंट इसको मैच नहीं कर रहे हैं. हैंस इसीलिए टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसीलिए जो दो इंडिफरेंस कर्व है ए बी और ए सी कभी एक दूसरे को पॉइंट ए में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ों को एक्सप्लेन डीपली किया गया था. ओके, नाउ सी द लास्ट. ए टिपिकल इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, जो टिपिकल इंडिफरेंस कर्व है वो किसके कॉन्वेक्स दिखाता है, उसका ओरिजिन को, जो ओ है उस लेवल को. देखना कैसे, इट इज़ स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बिकॉज व्हेन ए कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस बिटवीन द टू गुड्स कॉन्टीन्यूसली फॉल्स ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU. आपने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे कि एक्स एक्सिस में आप जितना बढ़ते जाओगे वाई एक्सिस आपका उतना कम होते आता है, तो फिर ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में आता है एक्स लेफ्ट टू राइट. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस. MRS एक ऐसा रेट है, एक ऐसा सब्सटीट्यूशंस का रेट है जहाँ पे कंज्यूमर खुद से सेक्रीफाइस करता है क्वांटिटी ऑफ ए वन गुड्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स. मतलब अगर आपको X का एक गुड्स लेना है तो आपको Y का एक गुड्स छोड़ना पड़ेगा, तब आप इक्वल हो सकते हो. तो यहाँ पे कंज्यूमर खुद विलिंगली बोलता है कि चलो ठीक है, जैसे आपको पता मार्केट में आप गए हो, आपको ड्रेस लेना है, तो आप एक सूट लेते हो तो दूसरा सूट को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आपको घर वालों ने कहा कि आपको एक ही सूट लेना है, तो आपको दो तीन पसंद आ गए, बट आप लेते कितने हो, एक लेते हो, जो आप लेते हो उसी से आपको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन. लेट द टू गुड्स कंज्यूम बी एक्स एंड वाई. देखो जैसे कि दो गुड्स है एक्स और वाई, ए द कंज्यूमर गोज ऑन ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गोज ऑन डिक्लाइन. जितना ज़्यादा आप एक्स कमोडिटी लोगी उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी. आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है. देयरफॉर द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ वाई. जैसे आपकी एक्स कमोडिटी आपने ली तो उसकी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, वैसे ही कंज्यूमर ने सेक्रीफाइस भी तो किया, उसने वाई यूनिट को छोड़ दिया. ईच टाइम ही ऑब्टेन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स, जितनी बार उसने एक्स का कमोडिटी लेते गए उतनी बार उसने वाई को छोड़ते गए. इन अदर वर्ड्स MRS जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉन्टीन्यूसली फॉल, उसका MRS क्या होते गए आपका लगातार एक्स और वाई का
फॉल होते गया, कम होते गया. हैंस द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. तो आप इंडिफरेंस कर्व आपका कहाँ पे दिखाई देता है, ओ लेवल में ही दिखाई देता है. इसके लिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि अगर हम लोग, हमें अगर प्यास लगी है, अगर हमें प्यास लगी तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं. ठीक है, जब हम लोगों ने पहला ग्लास पानी का पिया तो हमें बहुत अच्छा लगा. ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर से एक ग्लास पानी का पिया तो हमें और थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी है. तो दो ग्लास पीने से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. उसके बाद अगर हम तीसरा ग्लास पीते हैं तो हमारी जो इच्छा है वो कम होने लग जाती है. मतलब मार्जिन जो है वो कम होता है, टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है. जैसे आप गोलगप्पा खाते हो, है ना, तो गोलगप्पा खाने में भी यही होता है कि आपने पहला बाइट लिया आपको अच्छा लगा, दूसरा बाइट लिया अच्छा लगा. जब आप लगातार कंटिन्यूसली खा रहे हो आपकी मार्जिन कम होने लग जाती है और टोटल यूटिलिटी आपको खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कैपेसिटी भी तो होती है. उसके बाद आपकी इच्छा एकदम मर जाती है. जो इच्छा ख़त्म हो जाती है उसे हम बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी या पॉइंट ऑफ स्टैटी, मतलब फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अब हमें और नहीं चाहिए. ओके, तो ये आज हमने देखा प्रॉपर्टीज़ एंड फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अच्छी तरीके से इसके पहले का जो वीडियो है इंडिफरेंस कर्व, पहले वो समझ लेना, उसके बाद आप ये पढ़ोगे तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.